जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 को सकुशल, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह कटिबद्ध है और चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा, लगन, ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ अपने दायित्वों का प्रत्येक स्तर पर निर्वहन करें। निर्वाचन कार्य समयबद्ध होता है, इसलिए किसी भी स्तर पर शिथिलता नहीं होनी चाहिए। उक्त बातें जिला निर्वाचन अधिकारी ने एनेक्सी भवन सभागार सर्किट हाउस परिसर में आयोजित संसदीय क्षेत्र गोरखपुर एवं बांसगांव लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के लिए नियुक्त पीठासीन अधिकारियों, मतदान कर्मियों को ईवीएम एवं वीवीपैट के संचालन एवं मतदान प्रक्रिया से संबंधित समग्र प्रशिक्षण के लिए ईवीएम मास्टर ट्रेनर एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण के दौरान व्यक्त की। इस अवसर पर वीडियो के माध्यम से प्रस्तुतीकरण कर रेमंडाइजेशन से लेकर पोलिंग स्टेशन की कार्रवाइयों की विधिवत जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त ईवीएम संचालन के संबंध में प्रशिक्षकों द्वारा 8 अप्रैल को क्रमांक 1 से 66 तक सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट का प्रशिक्षण क्रमांक 1 से 140 प्रशिक्षित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और इसकी पवित्रता को बनाए रखना आवश्यक है। इसके लिए सभी को अपनी भूमिका को समझना है। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी जहां मतदेय स्थल का संपूर्ण प्रभारी होता है, वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने उनके कर्तव्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी अनुप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दिखावटी मतदान के दौरान डाले गए मतों की संख्या यहाँ आपको रिकॉर्ड करनी है। यहाँ बैलेट बटन दूसरा नंबर दबाते हैं, नंबर दो। इस प्रकार हमारे पीओ साहब ने बताया कि 50 मत हो चुके हैं, टोटल बटन दबा करके दिखा देंगे। इसमें तो 50 मत ही दबा रहे हैं। ये सारे मतों को जब हम जोड़ते हैं तो इस मशीन ने जो रिजल्ट दिखाया, हमने अपना दर्ज किया था, वो अभी तक बिल्कुल मैच कर रहा है। आइए वीवीपैट का ड्रॉप बॉक्स खोलते हैं और इसके अंदर पड़े हुए सारे स्लिप को निकालते हैं, करके सब इकट्ठा कर लिया है। अब ये ड्रॉप बॉक्स में आपको स्लिप चेक करिए। ये देखें, नाक को भी कंप्लीट के साथ स्लिप जो निकलते हैं वो यही हैं। इस तरह से जैसे मैं छाटता हूँ, चार पर्चियों को छाट के आप अलग कर देंगे। आप ऐसे पर्चियों को सजाइए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 14, 15, 16, 1 नंबर की पर्ची है, 1 नंबर में रखिए, ठीक है, बिल्कुल अभी व्हाइट है। और उसमें आप
जो हमारे तीनों द्वारा पीडीसी जाने वाला जो कार्यक्रम